बात करनी चाहिए थी रमन। डॉक्टर को बुलाती हूँ। इशिता, होश आ रहा है? रमन, रमन, आर यू ओके? रमन, आप ठीक हो? इशिता जी, आप यहाँ? मेरी अम्मा, अम्मा का घर। थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? हाँ। ये तो ये वो लेडी कहाँ जिन्होंने दरवाजा खोला था? आप अम्मा की बात कर रहे हैं? आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपने खोला था दरवाजा, तो कौन है वो, कहाँ है वो औरत? ये सब टेंशन में मेरे रमन को कुछ मत होने देता। अम्मा, रमन को होश आ गया, वो आपसे मिलना चाहता है। चलो रमन, अब कैसा लग रहा है? आप मेरे ऑफिस क्यों आई थी? शीता जी, आप ही की बेटी है ना, तो मेरी कंपनी की नेटवर्थ क्या है, आप इनसे क्यों नहीं पूछती? आपकी बेटी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इन्हें ज्यादा पता होगा। मेरी ऑफिस में आकर मेरे अकाउंटेंट से मेरे बारे में पूछने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और मैं कितना कमाता हूं जान के आप क्या कर लेंगी? इश्ता जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज अपनी मदर को समझाइए। हम प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनलिज्म कोई चीज होती है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस इनफॉर्मेशन। अम्मा, आई एम सो सॉरी, ये आइडिया बिल्कुल वर्क नहीं किया और रमन मेरे कारण आप पर चिल्ला कर गया। हाँ विशु, अपना ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। हेलो विश्वा, हमारा प्लान काम कर गया। क्या है, रमन ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे लास्ट टाइम मुझ पे चिल्लाया था। तुम्हारी माँ ने तो हद पार कर दी, मेरे ऑफिस आई थी आज स्लिप चेक करने। ऐसे ही गुस्सा हो गया था मुझ पे। ओनली डिफरेंस, उस टाइम पे वॉल्यूम 10 पे था, अब इस बार 4 पे था। तुम देखना इशू, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे ना तो रमन को सब याद आ जाएगा। शीघ्र आओ, मैं जानती हूँ। क्या सर दर्द है यार, क्या बोल क्या रहे हो? आलिया आज खेलने ही नहीं आई। अरे प्लान कैंसिल हो गया, क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो, तुम्हारा दूसरा नंबर है ना, तुम उसे कॉल करो, उसकी वो फ्रेंड है जो भूमि, हाँ उसको कॉल करो, वो वहीं कहीं होंगे आसपास, पता करो। मैंने उसे फोन किया था लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। यार एक काम तुमको कहा है वो भी ढंग से नहीं होता तुमसे। मैंने कितनी बार बोला है जितना कर्जे में लाद सकते हो आलिया को लादो, मुझे उसको इस जुए की लत से बाहर नहीं आने देना है। तुम मुझे ही पता करना पड़ेगा यार। ए आलिया कहाँ है? दादी आप प्लीज इतना स्ट्रेस मत लिया करो, एक काम करो आप आराम से रेस्ट करो, मैं आपके लिए ना अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ, बाम लगा दी है ना, अभी रिलीफ मिल जाएगा। ये तो घर पे है, ये वापस क्यों आ गए? पता लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। भूमि का ही फोन होगा। हेलो अम्मा, ऑल वेल? हेलो, देखो रमन ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, अम्मा तो खुश है क्योंकि पहले की तरह रिएक्ट किया और हमें ना कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। थैंक गॉड, थैंक यू मॉर्गन। पापा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने पास में किया था, इट्स अ गुड साइन। बस हमें वो हर एक चीज करनी होगी जिससे उनको सब कुछ याद आ जाए। हाँ लेकिन आलिया, मुझे वक्त वक्त पे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स अम्मा, आई एम ऑलवेज देयर, आप जो बोलोगे ना मैं सब करूंगी, बस पापा को सब कुछ याद आ जाए फिर फाइनली आप इस घर में आ जाओगे, है ना? या लेट्स होप सो। इशू, अच्छा चलो मैं रखती हूँ, ठीक है? ठीक है अम्मा।
अच्छा तो ये आलिया इशिता की मदद कर रही है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। आप तो छल रही है ये लड़की, रिसमी को अलर्ट करना पड़ेगा। रोमी जब फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो क्यों लेके गया मुझे वहां पे? अरे प्रॉब्लम थी, पर जब तक हम पहुंचे तब तक प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, तो अभी इसमें मेरी गलती थोड़ी है रिसमी की। मैडम जी इस पे आपका साइन चाहिए। क्यों भाई कहां है? नहीं जी सर तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है पर आज तो कोई क्लाइंट मीटिंग भी नहीं है ना, फिर कहाँ चलेगा भाई? कुछ बता के तो गए होंगे, कहाँ गए हैं भाई? वो एक लेडी आया था ना ऑफिस में, तो सर ने मुझसे उसके बारे में पूछा तो मैं। तुमने भाई को उस औरत के बारे में बता दिया? क्या जरूरत थी बताने की? मैंने मना किया था ना आपको उसके बारे में बताने के लिए, और आपने नंबर तो नहीं दिया ना। बोलिए श्रीनिवास, आपका दिमाग खराब हो गया? आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? मना किया था ना मैंने नंबर देने से, फिर क्यों दिया नंबर? कल से आपको नौकरी पाने की जरूरत नहीं है, मैं लीव ना। लीव। लोगों का दिमाग खराब हो गया। सिमिदी क्या हो गया आपको यार? आप कैसे बिहेव कर रहे हो? एम्प्लॉय है हमारा वो, और आप इनको ऐसे फायर नहीं कर सकते। अगर यूनियन वालों को पता चल गया तो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। होता है प्रॉब्लम, और अगर इसे नंबर दे भी दिया तो क्या हो गया? रोमी मुझे सिखाने की जरूरत है। अरे नंबर दे दिया, शो की क्या गलती है इसमें? लीलू मैंने चाय बना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है भैया चाय। हाँ बोल भाई, कहाँ हो आप? क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है? फिर इतने सवाल, क्या बात है? भाई मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सवाल क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। सिमी को बच्चा नहीं हुआ, कोई जरूरी काम है तो बोल, हर बार ये ना हवलदार की तरह 10 सवाल मत किया कर। अच्छा ओके आई एम सॉरी, मैं अब और ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी। अब प्लीज एक बात मानोगे मेरी? जो बोलना जल्दी बोल, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। देखो आपके सर में दर्द हो रहा है ना, आपने पिल्स नहीं ली इसीलिए हो रहा होगा। मैंने आपके साइड ड्रॉअर पे रखी थी पिल्स, प्लीज पिल्स ले लो। हाँ पता है मुझे भाई, रूम में ले आने। इसका मतलब यह है कि भाई को कुछ भी याद नहीं आया। मुझे परम से बात करनी होगी और ये इशिता का यहाँ आना जाना बंद करना पड़ेगा। कौन है भाई? आजा। जी, आजा रे पुत्र। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं आजा आजा बैठ जा। दो साल हो गए हैं अनन्या को गए हुए, बात इतनी बड़ी थी कि सिमी अभी भी उन चीजों से बाहर नहीं आ पाई है, बड़ी मुझाई मुझाई सी रहती है। अभी कुछ टाइम में हमारी एनिवर्सरी आ रही है मम्मी जी, तो मैं सोच रहा था कि उसको कुछ गिफ्ट करूं अच्छा सा। तुम दे जाओ। मुझे वो कंगन चाहिए थे आपके, जो आपने आलिया को दिया था ना उसकी एनिवर्सरी पे, तो मैं सोच रहा था कि उसी डिजाइन के कंगन मैं सिमी के लिए बनवाऊं क्योंकि वो उसको बहुत पसंद आए थे। बड़ी चंगी गल है। मम्मी जी आप उसको बताइएगा मत, मैं सरप्राइज देना चाहता था। और सरप्राइज जरूर दे, जरूर दे, तो चंगी गल है, खुश हो जाएगी। कोई गल नहीं, मैं अभी बोलती हूँ आलिया को, वो निकाल के दे देगी तेनो कंगन। हाँ पुत्र वो कंगन। अच्छा वो कंगन, दादी वो कंगन तो मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दिया, वो घर पे सेफ नहीं होता ना इसलिए, लेकिन आप चाहो तो वो कंगन मैं लॉकर से निकलवा के दे देती। हाँ पुत्र निकलवा ले, क्यों ठीक है ना पुत्र? हाँ मम्मी जी ठीक है ठीक है निकलवा ले। नीलू चले दरा, मैंने चार की बर्नी काट के दे फटाफट। वो कंगन तो मैंने, अब क्या करूं मैं, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, कहां से लाऊंगी वो कंगन? कहां से देगी कंगन, सब कुछ तो गैम्बलिंग में हार गई है। आतिशिता की चमची बनी थी ना, लो करो चमचा गिर। मिस्टर वाला अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे आपको हमारी नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग दिखानी थी, अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं देन आई विल शो इट टू मिस इशिता। पैकेजिंग तो ठीक है लेकिन आई हैव टू शो यू।
packaging is not up to the mark, Miss Rohi. The bottle is a better option. The glass bottle. Tetra pack is any day a better option. It's handy. आप इसे कहीं भी carry कर सकते हैं. और glass bottles की packaging बहुत ज़्यादा expensive होती है. I hope you know that. It's profitable. Tetra packs. Tetra packs are cheaper because they are less sturdier. कभी सोचा Miss Rohi अगर factory में चूहे हो गए, तो आपके tetra pack को उतर सकते हैं. So glass bottles are more sturdier and more safer. Glass bottles ना बहुत ही easily टूट भी सकते हैं. Tetra packs तोड़े नहीं जा सकते. And they are very handy, as I said. और glass bottles को खोलने के लिए तो opener carry करना पड़ेगा. I think tetra pack is definitely better. You think too much, Miss Rohi. ये bottle दांतों से खोली जा सकती है. दांतों से? अब कैसी बातें कर रहे हो? Practical बातें कर रहा हूँ. Try it. Try it, Miss Rohi. Fine, whatever. Oh! Oh! क्या हुआ? Oh God, you're bleeding. Oh God, get out! Come here, let me see. बहुत दर्द हो रहा है. तुम्हें कुछ नहीं होगा. तुम्हें कुछ नहीं होगा. तुम चिल्ला क्यों रही हो? जाना पड़ेगा. अरे नहीं, मैं ले जाऊंगा. एक मिनट रुकिए. चलो चलो. हेलो अम्मा, ये ले जाओ. ग्रेट नेहा, तुम हो यहाँ. नेहा, डॉक्टर बत्रा है. मैम, डॉक्टर बत्रा तो आज नहीं आई. ओ, फोन लगाओगी प्लीज. थैंक्स. हेलो जी, डॉक्टर बत्रा, इशिता. मैं ठीक हूँ जी. बहुत सारी बातें सुनिए ना प्लीज. बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी मुझे. कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट आने वाले हैं, उन्हें मैं अटेंड करना चाहती हूँ. प्लीज आप चिंता मत कीजिए. प्लीज हेल्प कर दीजिए. मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस बारे में. थैंक यू. सुनो रमन भल्ला मेरे हस्बैंड और रूही, वो लोग आ रहे हैं. जैसे ही आएंगे उन्हें अंदर भेजना. कोई ज्यादा बातचीत नहीं करना, ठीक है? मैं अंदर ही हूँ. सब ठीक हो रहा है. मिस्टर निशिता, आप यहाँ? डॉक्टर निशिता, देखिए डॉक्टर प्लीज. मिस्टर भल्ला, रूही, तुम मेरी पेशेंट हो? आप सरप्राइज क्यों इतना? मैंने आपको बताया था ना, मैं बिजनेस वुमन होने के साथ ही साथ एक डेंटिस्ट भी हूँ. मिसेस शिता, इसे कुछ तुम बहुत पेन में लग रहे हो. कम आ जाओ. रूही, आई नो बहुत दर्द है, यहाँ बैठो. Let me see it, huh? रू, दर्द हो रहा है. तुम दर्द का टेंशन मत लो, वो मैं 5 मिनट में ठीक करूंगी. और दांत दिखाओ. इधर आराम से. आई थिंक इट्स ब्रोकन. पर तुम दर्द इस बात का मत उठाना कि तुम्हारा दांत चला गया है, क्योंकि उसके पीछे तो एक बहुत अच्छी चीज है. आई मीन टू से, दांत टूटना बहुत लकी होता है. फेरी वाली कहानी सुनी है? आई नो तुम सोचोगी कि क्या बच्चों वाली कहानी की बात कर रहे हो. पता है, जब भी दांत टूटता है
एक टूथ फेरी आती है। और वो दांत लेके जाती है और उस दांत के बदले में बहुत सारा गुड लक छोड़ के जाती है। सो इट्स नॉट अनलकी, रादर बहुत लकी चीज है। एंड यू आर सच अ लकी गर्ल। देखना, बहुत सारा गुड लक आने वाला है तुम्हारे पास। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बात मैं पहले सुन चुका हूँ? लाइफ में सब अच्छा होगा आज के बाद से, ट्रस्ट मी। शी इज फाइन नाउ, तुम बिल्कुल ठीक हो अब। मैंने इसे एक इंजेक्शन दिया है तो जब तक इंजेक्शन का असर है तब तक दर्द कम रहेगा, बाद में रहकर करेगा। बट एक अच्छी बात यह है कि आज तुम्हें कुछ गर्म चीज नहीं खानी। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ आइसक्रीम्स। खूब सारी आइसक्रीम खिलाइएगा आप इसे। आप ड्राइव करेंगे ना? हाँ। तो मैं भी साथ आती हूँ, रूही को संभाल लूंगी। प्रोसीजर काफी लंबा था इसीलिए क्रैंकी हो रही है। डोंट वरी, हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं। चले रोई, आ जाओ, कम 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 कम। इसने आपको भी हिल स्टेशन में बुलाया। I'm sorry, इसका I think मिस रूही के दर्द का असर ही होता है। बच्चों को जब दर्द होता है तो माँ को याद करते हैं। It's okay. आप गाड़ी आज मैं आइसक्रीम अभी अरेंज करूं तुम्हारे लिए। इसकी इतनी हिम्मत, ये यहां तक आ गई है। ये औरत सुधरने वाली नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? परम जी को बताती हूँ, नहीं मामला हाथ से निकल जाएगा, वो ही कुछ कर सकते हैं। चलो नहीं, इट्स ओके, यहां से मैं ले जाऊंगा। थैंक यू अरुण, चलिए। पापा सुई ठीक है ना? हाँ, बस कुछ आराम की जरूरत है। यू ओके? मच बेटर। चलो तुम्हें रूम में छोड़ दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।